नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर में पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर व एडीजीपी की अगुवाई में चलाया गया ऑपरेशन क्लासो मकबूलपुरा के फ्लैटों व आसपास के क्षेत्रों में की गई चेकिंग। कपूरथला में एमआईसी शोरूम पर फायरिंग मामले में हुआ बड़ा खुलासा। हमलावरों ने बाइक चोरी करने के बाद वारदात को दिया अंजाम। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिस कमिश्नर शोभन शर्मा की अगुवाई में चल रहे ऑपरेशन कासो बस स्टैंड, हॉटस्पॉट, धार्मिक स्थानों सहित प्रमुख स्थलों पर की गई चेकिंग। और अब हलचल विस्तार से। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान और डीजीपी पंजाब गौरव यादव के दिशा निर्देशों पर पंजाब भर में गलत तत्वों और नशे के खिलाफ ऑपरेशन कासो चल रहा गया, जिसके चलते अमृतसर में पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के साथ एडीजीपी राम सिंह द्वारा कासो ऑपरेशन की अगुवाई की गई, जिसके चलते अमृतसर के मकबूलपुरा के फ्लैटों और उसके आसपास के इलाकों में पुलिस द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसके तहत घरों की चेकिंग की गई। इस अवसर पर एडीजीपी राम सिंह ने बताया कि पंजाब भर में कासो ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तो वहीं अमृतसर में भी पुलिस कमिश्नर की अगुवाई में ये ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 1000 से भी अधिक पुलिस अधिकारी तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि ये ऑपरेशन शांतमयी ढंग से चलाया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल और गलत तत्व हैं उन्हें आइडेंटिफाई किया गया है, तो वहीं उन्होंने आम जनता से अपील की है कि पुलिस के इस ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए भी अपना सहयोग दें। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील फोसला की रिपोर्ट। देखो, मानयोग सीएम साहब पंजाब ते सरकारयोग डीजीपी पंजाब दी जड़ी कमिटमेंट है कि पंजाब नो नशा मुक्त स्टेट बनाना है, ते पूरे स्टेट नू एक पीसफुल पंजाब बनाना है। उसी कमिटमेंट दे तहत पंजाब दे हर जिले च वक्त वक्त थावां ते रेगुलर तौर ते स्पेशल ऑपरेशन चलाए जांदे ने। तो उसी कमिटमेंट दी लड़ी दे विच, उसी ऑपरेशन दी लड़ी दे विच आज दा ये स्पेशल ऑपरेशन चलाया जा रहा, जिन्हों आपां कासो दा नां दिंदे। इस ऑपरेशन दी जिहड़ी निगरानी कमिश्नर पुलिस अमृतसर दी परसनल निगरानी दे तहत सारा प्लान कीता गया, ते मैं कमिश्नरेट अमृतसर दी पुलिस दी जिहड़ी ऑपरेशन है इनू सुपरवाइज़ करन वास्ते आज इत्थे आया, ते पूरी पुलिस ने बड़ी मेहनत नाल आज दे ऑपरेशन तो पहला कई दिन ला के पूरी क्राइम मैपिंग कीती है। पूरे कमिश्नरेट दे इलाके नू वक्त वक्त सैक्टरां दे विच बटिया गया है। हॉट स्पॉट्स, क्राइम दे हॉट स्पॉट्स नू आइडेंटिफाई किया गया है। जिहड़े क्रिमिनल्स हैगे, जिहड़े माड़े आंसर हैगे, उन्हां नू आइडेंटिफाई किया गया है, ते उन्हां नू मैन मार्किंग करके एक स्पेशल ऑपरेशन की प्लानिंग की गई है। इस ऑपरेशन के तहत आज 11 तो 3 बजे तक पूरे कमिश्नरेट अमृतसर दी अराउंड 1000 पुलिस पर्सनल इन्वॉल्व होंगे, जिन्हों के 4 DCP रैंक ऑफिसर्स, 4 ADCP रैंक ऑफिसर्स, 11 ACP रैंक ऑफिसर्स, 28 SHO ते इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स, 940 अदर रैंक्स ते ASIs ते कॉन्स्टेबल्स ते बाकी पुलिस दे ऑफिशियल्स इन्वॉल्व होंगे। ते इन इस ऑपरेशन दा जड़ा निष्कर्ष है, जड़ा कामयाबी है, उदे बारे CP साहब ऑपरेशन तो बाद तुहानू डिटेल च दस देंगे। ते मैं इन्नी जिहड़ी पब्लिक नू अपील करदा, सिटीजन्स अमृतसर दे सिटीजन्स नू अपील करदा कि पुलिस दे इस ऑपरेशन नू कामयाब बनाने वास्ते अपना सहयोग दो। जिवें कि असी जिहड़ी कमिटमेंट है सरकार दी ते DGP पंजाब दी हिदायत है, ते इस ऑपरेशन दी परसनल सुपरविजन उन्हां दे वल्लों कीती जा रही है, ते इहदे च सानू कामयाबी मिले।
कपूरथला में डीसी चौक के नज़दीक सेशन जज निवास के सामने एमआईसी शोरूम में गत दिनों हुई फायरिंग मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। तो वही वारदात करने आए बदमाश जिस बाइक पर आए थे वे घटना से कुछ घंटे पहले श्री गुरुद्वारा साहिब से चोरी किया गया था। हालांकि जांच में जुटी पुलिस टीम अभी आरोपियों तक नहीं पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ बाइक के मालिक उत्तर प्रदेश के शामली वासी सोनू की शिकायत पर बाइक चोरी की शिकायत की गई है। मामले की गंभीरता से सभी तथ्यों को देखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस टीम कैमरों की जांच कर रही है। तो वहीं आरोपियों ने एक पर्ची शोरूम के कर्मी विकास कटोच को पकड़ाई थी जिस पर कौशल चौधरी ग्रुप सौरभ गोल्डी तथा 5 करोड़ लिखा हुआ था। वहीं आरोपियों ने घटना को अंजाम देने से पहले जिस बाइक पर भी आए थे वे नज़दीक ही शोरूम मालिक के घर के बाहर खड़ी की थी और शोरूम पर फायरिंग करने के बाद वह बाइक पर भागते हुए घर पर भी एक फायर किया था। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर जांच करते हुए शोरूम मालिक की शिकायत और कर्मी की को दी गई पर्ची के आधार पर 2 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कर दी है। जालंधर से हलचल की दी कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिस कमिश्नर स्वपन शर्मा और DIG S भूपति के नेतृत्व में कासा ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का उद्देश्य शहर में स्ट्रीट क्राइम और नशे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना था। तो वहीं पुलिस कमिश्नर ने जानकारी देते हुए बताया कि इस संगठित अभियान में 500 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। ऑपरेशन के दौरान बस स्टैंड, हॉटस्पॉट्स, धार्मिक स्थानों सहित अन्य प्रमुख स्थानों पर सघन चेकिंग की गई जिसमें कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और अवैध सामग्री जब्त की गई। उन्होंने आगे बताया कि अपराध मैपिंग के आधार पर 25 प्रमुख स्थानों की पहचान की गई थी जहां कुख्यात अपराधियों और ड्रग डीलरों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सर्च अभियान चलाया गया। ऑपरेशन के दौरान कई संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया और बरामदगी की गई। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। डीजी साहब जब तुम सीखे कि स्टेट लेवल पे कैसो कोर्डन सर्च ऑपरेशन जड़ा है वो किता जाए स्ट्रीट क्राइम जड़ा है वो ठल पान ते क्राइम मैपिंग कितनी गई 25 ऐसा ते पॉइंट्स एरिया हॉटस्पॉट्स शहर ते आइडेंटिफाई कितने गए जिथे स्ट्रीट क्राइम थोड़ा बाकी जगह पर ज्यादा है उत्थे जेडे माड़े अंसर है उन्होंने आइडेंटिफाई किया गया जो बार बार क्राइम करते हैं चाहे ड्रग फिटिंग करते हैं स्नैचिंग करते हैं तो डेडिकेटेड टीम चला के 10 गेस्ट ऑफिसर से 500 दे करीब बुला लिया और रेड भी की गई कॉर्डन करके सर्च भी की गई है। काफ़ी लोगों को अपना राउंड अप किया डिटेल शाम को तुम मिल जाएंगे कुछ रिकवरीज भी हुई वो भी डिटेल शाम है। कितने लोगों को जो राउंड अप किया 8-9 लोग तो कितना सामान जो सामान ये डिटेल थोड़ा शाम आगे भी ऐसे ही जो आगे भी तो पहला भी होता रहा कोऑर्डिनेटेड ये होता रहा। जो लोग ऐसे जो नशे का काम करते हैं उनको क्या मैसेज देना? मैसेज तो ये है कि बंद कर दो। पंजाब भर में मुख्यमंत्री पंजाब और DGP पंजाब के दिशा निर्देशों पर ऑपरेशन कासो चलाया गया जिसके चलते अमृतसर जिला के अधीन आते गांव में भी ऑपरेशन कासो चलाया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए SHO मुख्तियार सिंह ने बताया कि SSP चरणजीत सिंह की अगुवाई में DSP रविंदर सिंह की ओर से अलग अलग टीमें बनाकर जंडियाला गुरु क्षेत्र के अधीन आते गाँव धारड़ बारियां तारागढ़ तालमा आदि क्षेत्रों में नशा तस्करों गैंगस्टरों और चोरी व लूटपाट करने वाले जिन पर मामले दर्ज हैं उनको उनके घरों में चेकिंग की गई। उन्होंने बताया कि ये सर्च अभियान प्रातः 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक चलाया गया ताकि शरारती तत्वों व नशा तस्करों पर नकेल कसी जा सके। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। 30 पंचायत जड़ियां वो सर्वसम्मति के नाल चुनिया गई हैं सम्मान के जिन्हें भी साढ़े पंच सरपंच सर्वसम्मति के नाल चुके आए हैं बहुत बढ़िया किरत जी है इन्होंने पढ़ी है। सो बधाई दी है सारे होर उत्साहित करने वास्ते पिंडे काम करिए और एकता रख के काम करें किसी तरह का कोई दुश्मनी को जिम्मे आम तौर पर पिंडे भी राजनीति के चल रहा इस तरह अभी पता करिए पहले ही असं बहुत असी उत्साहित असगा कि वो तो पंचायत जी सर्वसम्मति के नाल चुन के आन सर्वसम्मति बन के आने
सरपंच जिहड़े ने सरबसमति दे नाल चुने गए ने ते 320 मैंबर जिहड़े ने ओह सरबसमति लंबे समय तो बाद जिहड़ा वा कि पहली बार होया वा कि सरबसमति 30 पंचायतां जिहड़ियां सरबसमति दे नाल बणियां कहना चाहोगे कि इस दे नाल पार्टी बाजी तो उभर उठ के जिहड़ा वा काम कीता देखो असीं 2.5 साल हो गए ने सरकार तों मान साहब दी सरकार नूं असीं किसे तरह दी कोई पार्टी बाजी नहीं कीती सिर्फ चोण निशान इह नहीं चोणां करके बचा क्योंकि पिंड दे विच जे कोई दुश्मनी पैदा होंगी है तो घड़ेबंदी पैदा होंगी है समझते हैं कि वो पिंड का विकास जो जे पिंड सारा एक हो के एकता एकता का सबूत देते हुए समझिए सारा पिंड एक महसूस करूँगा और विकास के पक्षों वो वर्ग अपने पिंडियाँ करना तो हट के विकास सकते हैं। अमृतसर के विधानसभा क्षेत्र राजा संसी के ब्लॉक चौगावा के क्लस्टर नंबर 6 के रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मनमर्जी करते हुए लगभग 10 गांवों के कुछ पंचायती उम्मीदवारों को पिछले 2 दिनों से तंग परेशान किया जा रहा है, जिसके चलते अलग अलग गांवों के उम्मीदवारों को चुनाव निशान जारी ना करने, कुछ उम्मीदवारों के बिना वजह नामांकन पत्र रद्द करने और कई उम्मीदवारों के वार्डों को तब्दील करने के आरोप लगाते हुए राजा संसी में SDM कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की गई और रिटर्निंग अधिकारी को घेर कर तुरंत इस मसले का हल करने के लिए कहा गया। तो वहीं परेशान हो रही है सभी उम्मीदवार अपने आप को सत्ताधारी आम आदमी पार्टी से संबंधित बता रहे हैं, जिसके चलते उनकी ओर से जिला प्रशासन के उच्च अधिकारियों से इंसाफ की मांग करते हुए चुनाव निशान जारी करने, वार्डों को सही करने और बिना वजह रद्द किए गए नामांकन पत्र बहाल करने की मांग की गई व संबंधित रिटर्निंग अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई करने की मांग भी की गई। इस दौरान नायब तहसीलदार त्रिलोचन सिंह ने कहा कि ये रिटर्निंग अधिकारी सारा दिन अपनी सीट से गायब रह रहा है और अपनी मनमर्जी कर रहा है। इस संबंध में रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंप दी गई है। तो वहीं प्रदर्शनकारियों को शांत करने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे थाना राजा संसी के SHO हरचरण सिंह ने कहा कि ब्लॉक चौगावा के क्लस्टर नंबर 6 के कार्यकारिणी अधिकारी दिमागी तौर पर परेशान है, इसकी जानकारी SDM को दे दी गई है। उनके द्वारा विश्वास दिया गया है कि रात के समय नए रिटर्निंग अधिकारी को नियुक्त कर सुबह 10 बजे तक सभी लिस्टें जारी कर दी जाएंगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। कभी ये 6 की लिट ला दिता, कभी ये 4 की ला दिता, कभी SC जरा सा जनरल है उन्होंने आता SC फार्म नहीं तो है अं जनरल SC किस तरह लाइए, इन्हें सानू कल भी भुखिया मारिया, इन्हें सानू अजू मारिया, होर दसो की करिए। भाजी होने करके अं चले हम मेरा दिमाग नहीं करता काम, अं चले हूँ उन्होंने इन्हों की जिम्मेवारी आते सवेरे अं करा देंगे, होर अं की करिए हूँ 10 जन 15 की मंग करते सू इंसाफ दे सू निशान दे जाके वोटा आखीए पिंड कभी 6 कर दिता कभी 4 कर दिता तो कभी SC आप मेरा भरा आए SC फार्म क्यों लावे कितों लावे जनरल जाट आए हाँ जी आम दे तुहानू पता पंचायती चोणां दे विच जिहड़े सिंबल अलॉट होने आदे 10 कलस्टर बने से ब्लॉक चगावें दे उन्हां 10 कलस्टर दे विचों सिर्फ एक ही कलस्टर जिहड़ा वा 6 नंबर कलस्टर वो रह गया वा जिहड़ा उहदा RO आ उह कल भी असी उन्हूं बड़ा समझाउण दी कोशिश की थी कि तू जल्दी जल्दी इन्हां पब्लिक नूं परेशान ना कर, वो थोड़ा डिस्टर्ब आ मैडिकली फिट नहीं हैगा। मैं हुण SDM साहब नाल गल की आ, उन्होंने उहदी जगह ते उपर गल करके ते नवां RO जिहड़ा वा वो नियुक्त करवाता वा, वो रात रात बणाउणगे सारा कुछ इत्थों लै के चले आ, रात रात सारा सैट करके अपना लिखतां पढ़तां करके सवेरे 10 बजे का टाइम देता वा, 10 बजे लिस्टां ला के इन्हां नूं जिहड़े सिंबल आ वो अलॉट हो जाणगे, इन्हां नूं दे देंगे लिस्टां तो इन्होंने साड़ी गल नूं प्रमाण करते हुए साढ़े विश्वास करते हुए ये कहिंदे भी ठीक है जी असी कोई भी ला एंड ऑर्डर नूं खराब नहीं करते, ये चले आ असी इन्हां दा धन्नवाद करते हैं, उन्हां वास्ते असी जिहड़ा लफ्ज़ इन्हां दे सामने वरते आ मानयोग SDM साहब नूं कह के उन्हूं उन्होंने शो काज नोटिस भी हुणे ही देता वा जिहड़ा RO आ, बाकी जिहड़े नवें लाए आ वो रात रात इन्हां दा काम करनगे ते सवेरे इन्हां नूं सैटिस्फाइड कर देंगे। नहीं ड्रिंक वाली कोई गल नहीं, वो मैडिकली तौर पर फिट नहीं आ, मैं मिलके आया उन्होंने ब्रेन स्वैलिंग अखा के उत्ते आई पई आ,
वो मैडिकल तौर पर फिट नहीं है। नहीं ये नहीं है, सरकार वालों ड्यूटी लगती है, कमिश्न वालों ड्यूटी लगती है, भावें कोई फिट हो भावें ना फिट हो ड्यूटी करनी ही पैंती है। वो हाड़ी रिक्वेस्ट में उन्होंने मान लिया वा, मैं उन्होंने धनवादी हाँ पब्लिक वाले का जिन्होंने बेचारे खज्जल तो जरूर होए आ, खराब भी होए आ। मैं भी रात 3 बजे तक रोज़ इन्हों के नाल ही रहना, इन्हों पुछ लो तो चलो मजबूरी आ, हूँ की किया जा सकता वा, लिखत पढ़त का काम आ, वो डिले भी हो जाती है, वो टाइम भी लग जाता वा, सब कुछ हो जाता वा। बिल्कुल साडा चकावें ब्लाक का हरसा छीना ब्लाक का बहुत ही पीसफुली बिना किसी भेदभाव के बिना किसी लड़ाई झगड़े के बहुत शांतिपूर्वक तरीके नाल सारा सिस्टम जिहड़ा प्रक्रिया मुकम्मल हुई है। राज्य में हो रही पंचायती चुनावों में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार बनाने का न्योता दिया जा रहा है, क्योंकि लोकतंत्र की असली शुरुआत गांव से होती है और गांव के लोग स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण कर सकते हैं। हमारी सरकार का मुख्य उद्देश्य गाँव को उनके पैरों पर खड़ा करना है और इसी श्रृंखला के तहत हमारी सरकार ने पंचायती चुनाव पार्टी के चुनाव निशान पर नहीं करवाए हैं, क्योंकि गांव के सरपंच किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे गांव का होता है। उक्त बात का प्रकटावा कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटियो ने जंडियाला गुरु क्षेत्र में सर्वसम्मति से चुने गए सरपंचों और पंचों को सम्मानित करते हुए किया। उन्होंने बताया कि इस क्षेत्र में 30 सरपंच और 320 पंच सदस्य सर्वसम्मति के साथ चुने गए हैं। उन्होंने बताया के मुख्यमंत्री पंजाब द्वारा सर्वसम्मति से गांव की चुनी गई पंचायतों को गांव के विकास के लिए 5-5 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है, ताकि गांव का बुनियादी विकास हो सके। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा कि वे अपनी विधायकी ग्रांट में भी झंडियाला गुरु क्षेत्र के सर्वसम्मति के साथ चुनी गई पंचायतों को 5-5 लाख रुपये देगी, ताकि गाँव का विकास हो सके। झंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। तीह पंचायत जड़िया ने वो सर्वसम्मति के रात मिली हुई हैं, सम्मान के जिन्हें भी साढ़े पंच सरपंच सर्वसम्मति के रात मिले हैं, बहुत बढ़िया किरत जी है इन्होंने पढ़ी है। सो सारे होर उत्साहित करने वास्ते पिंड काम करिए और एकता रख के काम करें, किसी तरह का कोई दुश्मनी को जिम्मे आम तौर पर पिंड के भी राजनीति के चल रहा है, इस तरह अभी पढ़े रहिए पहले ही अभी बहुत असी उत्साहित किया कि वो तो वो पंचायत जी सर्वसम्मति के नाल चुन के आन सर्वसम्मति नाल बन के आन, उन्होंने सरपंच जिहड़े ने सर्वसम्मति दे नाल चुने गए ने, 320 मैंबर जिहड़े ने लंबे समय तो बाद जिहड़ा वा कि पहली बार होया वा कि सर्वसम्मति 30 पंचायतां इन्हां सर्वसम्मति दे नाल बणीआं। दुश्मनी पैदा होती है तो धड़ेबंदी पैदा होती है, इस समझते हैं कि उसके नाल पिंड का विकास जो जे पिंड सारा एक हो के एकता के नाल एकता का सबूत देते हुए समझना करूंगा तो सारा पिंड एक महसूस करूंगा और विकास के पक्षों वो वह अपने पिंडियां करना को हट के दिखा सकता है। साडा पिंड श्री हरगोबिंद साहब जी की शोह प्राप्त ते विकास पक्षों बहुत ही पछड़िया होया पिंड आ, जो कि असी समुचे नगर ने प्रण किया है कि इसनों विकास पक्षों बहुत अगे लैके जाया जाऊगा, जो कि साढ़े हॉस्पिटल की बहुत ही खस्ता हालत की इमारत है, शुरुआत ही उस तो की जाऊगी, उस तो बाद स्कूल दे विच काफ़ी मरम्मत होने वाली वह की जाऊगी, और भी इस तरह जिहड़ी पहली पंचायत के प्रोजैक्ट शुरू हुए आ उन्होंने भी मुकम्मल किया जाऊगा। मैं सरपंच मेरे वालों जिहड़ा वा 5 लाख रुपया पिंड के विकास वास्ते दिता गया, मेरे NRI वीर वालों राज भनोट वालों 2 लाख रुपया पिंड के विकास वास्ते दिता गया, 50,000 रुपया गुरद्वारा साहब वास्ते गुरजिंदर सिंह मैंबर इन्होंने दिता वा,
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਵੀ ਨਗਰ ਵਾਸਤੇ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚੋਂ ਗ੍ਰਾਹੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰੁਕਣ ਦੀ ਆ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਵਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਮੱਲੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ। ਸ਼ਿਵ ਕਲਾ ਰਾਮ ਮੰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਦੁਆਰਾ ਦਸ਼ਹਿਰਾ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ ਵੀ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਕਾ ਦਹਨ ਨਾਈਟ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀ ਗਈ। ਨਾਈਟ ਕਾ ਸ਼ੋਭਰਮ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਵ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰੇ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਰ ਵਿੱਚ ਨੇ ਰਿਬਨ ਕਾਟ ਕਰ ਕੀਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਮਾਇਣ ਸੇ ਹਮੇ ਧਰਮ ਔਰ ਨਿਆਇ ਕੇ ਪਾਲਨ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਸੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਜਾ ਕੇ ਰੂਪ ਮੇਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤਵਯ ਪਾਲਨ ਕੀਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਮੇਂ ਧਰਮ ਔਰ ਨਿਆਇ ਕੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਪਰ ਪੂਰਵ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਧੀਰਜ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕਾਲੀਆ, ਡਬਲੀ ਚੌਹਾਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਭਾਟੀਆ, ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਕੀ। ਮੰਚ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਅਤਿਥੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤਿਥੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕਾ ਅਭਿਨੰਦਨ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਸੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਆ। ਨਾਈਟ ਕੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪ੍ਰਭੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਕੀ ਆਰਤੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਈ। ਬਾਲੀ ਵੱਧ ਕੇ ਪਸ਼ਚਾਤ ਅਸ਼ੋਕ ਵਾਟਿਕਾ ਔਰ ਲੰਕਾ ਦਹਨ ਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅਸ਼ੋਕ ਅਵਸਰ ਪਰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹਰਜੀਵਨ ਗੋਗਨਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਅਧਿਆਪਕ ਸਤਨਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਮਹਾਂਸਚਿਵ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈਰੀ, ਉਪਾਧਿਅਕਸ਼ ਧੀਰਜ, ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇਵਤ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੱਲਾ, ਅਸ਼ੋਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਚਿਵ ਸ਼ਿਵਮ ਕਾਲੀਆ, ਕਾਰਤਿਕ ਸਚਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਸਹਿਤ ਸਭੀ ਸਦੱਸਿਆਂ ਉਪਸਥਿਤ ਰਹੇ। ਜਲੰਧਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੁਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਕੇ ਸਾਥ ਕੁਸ਼ ਚਾਵਲਾ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਵੀ ਤਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ੀਤਲਵੀਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਰਾਮ ਕਲਾ ਮੰਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਮੇਟੀ ਮਾਡਲ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ ਆਇਆ ਆਖਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਔਕੜਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸ਼ੀਤਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। और तुम्हारे कहने पर जो मैं जीवित रहने का वादा करता हूँ, यदि उन्होंने इस समय में भी मेरी मेरी नबर ना ली तो मुझे कदापि जीवित ना पाएंगे। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਔਰ
मंदिर ने बहुत उन्नति की है। जो सिद्ध शक्तिपीठ को स्वर्ण मंडित करने की सरकार शुरू किया गया था वो श्री शेखर सिंह जी के द्वारा ही किया गया था और इन्होंने ही इसे छोड़ दिया। आज हम देखते हैं कि स्वर्ण मंडित सिद्ध शक्तिपीठ की देव कला मंदिर में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग भक्तजन स्पेशल वहाँ पर माथा टेकने आते हैं। इसको खूबसूरत बनाने का इन्होंने बहुत ही प्रयास किया है और हमेशा ये सेवा करते रहते हैं। जालंधर शहर में एक बार फिर से रॉयल सर्कस अपने कर्तव्य दिखाने के लिए पहुंच चुकी है। इस संबंध में जानकारी देते हुए संतोष कुमार ने बताया कि रॉयल सर्कस में इस बार लोगों को नए कर्तव्य देखने को मिलेंगे, जिसमें डायनासोर शो, गोरिल्ला शो के अलावा कई प्रकार के कर्तव्य दिखाए जाएंगे, जो कि बच्चों सहित बड़ों और बूढ़ों को भी खूब पसंद आएंगे। उन्होंने बताया कि इस सर्कस के शो 9 अक्टूबर से शुरू होने जा रहे हैं, जिसमें पहला शो 1:00 बजे, दूसरा शो 4:00 बजे और तीसरा शो 7:00 बजे दिखाया जाएगा। उन्होंने बताया कि ये सर्कस पठानकोट चौक बाईपास जालंधर में लगाई जा रही है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की है कि वे इस सर्कस को देखकर खूब लुत्फ उठाएं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम संतोष नायर है और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि आपके अपने शहर जालंधर में कई सालों बाद सर्कस आई है, रॉयल सर्कस, जिसमें हम पहली बार विदेशी कलाकार और मणिपुर आर्टिस्ट और इस तरह के कई कलाकार लेके आए हैं, जिसमें आपको डायनासोर का शो भी दिखाया जाएगा और गोरिल्ला का शो भी दिखाया जाएगा। और इस बार जो सर्कस आया है, जितनी भी सर्कस पहले लगी होगी उससे कुछ अलग लेके आए हैं हम इस बार जालंधरवासियों के लिए, जिसे देख के स्पेशली बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। और मेरा ऐसा, मैं आपसे ये आग्रह करूँगा कि देखिए, अभी सर्कस का दौर धीरे धीरे करके अभी समाप्त हो रहा है, तो सर्कस अब कम रह गई है और आपके शहर में कई सालों बाद सर्कस आती है, तो आप लोग आइए, ये एक लाइव परफॉर्मेंस दिखाते हैं यहाँ पे। और ये ऐसा शो है जो आप अपने पूरी फैमिली के साथ आके देख सकते हैं, बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए और एंजॉय कीजिए। शो कितने का शो? मैं आपको बता दूं, हमारा शो टाइम है 1:00 बजे, 4:00 बजे और 7:00 बजे, और ये 10 अक्टूबर से सर्कस हम शुरू कर रहे हैं, 10 अक्टूबर से हमारा शो शुरू हो जाएगा। नवरात्रों के अवसर पर श्री गीता मंदिर अर्बन स्टेज फेज 1 में चल रही 8 दिवसीय नवरात्रों की हर शाम माँ के नाम भजन संध्या के छठे दिन की शुरुआत हुई। इस भजन संध्या के छठे दिन की शुरुआत गायक कुमार हरीश एंड पार्टी ने गणेश वंदना को गाकर की, जिसके बाद गायक कुमार हरीश एंड पार्टी ने माँ भगवती के मधुर भजनों का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर मंदिर कमेटी के प्रधान राजेश अग्रवाल ने बताया कि चल रही भजन संध्याओं की श्रृंखला में प्रतिदिन प्रसिद्ध भजन गायक माँ के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएंगे। उन्होंने बताया कि भजन संध्या में आने वाले भक्तों के लिए रोजाना प्रसाद के रूप में व्रत वाला लंगर भी वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर अनुराग अग्रवाल, महेंद्र प्रताप, विजय गुप्ता, अनूप त्रेहन, पवन जोशी, अंशुमन पुरी, अश्विनी चौहान, नरगिस पत्रा, सोनू कुलवंत राय पुरी और सुखदेव कुमार ने गायक कुमार हरीश एंड पार्टी को माँ की चुंडी देकर सम्मानित भी किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
नवदुर्ग रामलीला समिति की तरफ से बेअंत सिंह पार्क अमृतसर बाईपास में श्री रामलीला एवं दुर्गा पूजा के सातवें दिन की शुरुआत कलाकारों ने सीता हरण और जटायु संवाद के साथ की। सातवें दिन की रामलीला की शुरुआत रामकुमार मौर्य रामदेव मौर्य ने मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होकर की। इस अवसर पर प्रधान डॉक्टर सीताराम राम सिंह दीपक सूरी सुशील शुक्ला विक्रमजीत रमेश मिश्रा महेंद्र सूर्यनाथ हरिराम प्रजापति वीपी गुप्ता अशोक मिश्रा प्रेमचंद सैनी बबलू शर्मा दिनेश कुमार अवधेश अरुणपाल सहित कमेटी के सदस्यगण भी शामिल रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत आर एस संदीप शर्मा की रिपोर्ट।
नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी सोडल की ओर से रामलीला ग्राउंड सोडल में विधिवत श्री गणेश भगवान की पूजा अर्चना कर रामलीला के सातवें दिन की शुरुआत की गई। रामलीला में सीता हरण और जटायु संवाद का मंचन किया गया। सातवें दिन की रामलीला की शुरुआत उद्योगपति मनीष गुप्ता, बंटी विशाल शर्मा, पीयूष सेठ, अजय वर्मा, दीपिन पुरी, दीपक चोपड़ा, कमल टंडन, राजू सिंह, मित्तल छाबड़ा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करके तो वही नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी की ओर से आए हुए मुख्य अतिथियों को प्रभु श्री राम जी का सिरोपा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर नवयुवक मंडल रामलीला कमेटी के प्रधान सुखविंदर पालिया, बिट्टू, पूर्व पार्षद दीपक शारदा, पूर्व पार्षद ओम प्रकाश, विकी शर्मा, बिनी छाबड़ा, गौरव कनौजिया, अश्विनी सिंगला स्त्री, सनी महाजन, रिंकू भगत, सूरज मेहरा, केवल गोस्वामी, योगराज गोस्वामी सहित सभी सदस्य एवं कलाकार भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और संदीप शर्मा की रिपोर्ट। हनुमान जी वे सामने से दो शस्त्रधारी कौन जा रहे हैं? आपको क्या वहम हो गया महाराज? जो खामखा घबरा रहे हैं? मुझे शक है हनुमान जी। का नाम देवता कहां से आप पधारे हैं? क्या कारण वन में फिरने का? क्यों शस्त्र आपने धारे हैं? हैं महाराज, हमने आपको सारा हाल बता दिया, मगर आपने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया। तो बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे वीर तो अपना सहारा बनाना चाहिए, क्योंकि इनकी बात करने से ढंग से मालूम होता है। किष्किंधा के महाराज हैं, जो अपने भाई के हाथों जिंदगी से बेजार हैं। हनुमान जी, इनके बारे में हमें भी कुछ बताइए। मैं आप पे निसार हो गया। आज से मैं सच्चे दिल से अपनी राम कहानी तो सुनाइए। मेरी पहली माता ने पिताजी से दो वर मांगे थे, जिनपे उन्होंने व्रत के लिए राज और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। चंद रोज हुए एक स्त्री हाय राम हाय लक्ष्मण कहती हुई आकाश मार्ग से जा रही थी। भैया, मैं इन भूषणों को नहीं पहचान सकता। यदि कोई पांव का जेवर हो तो मैं उसे जरूर पहचान सकता हूँ। आप ही अपनी सारी कहानी खुल के सुनाइए। सुनिए प्रभु, तारा और अंगद का ध्यान रखना। जब एक माह बीत गया और भाई बाली भी गुफा से बाहर ना आया, हम तुम्हारा देश भी दूर किए देखते हैं। बड़ा खुश है आज देख के जड़ा कट है जो रामलीला कमेटी जो होया है उस पंडाल च। इस कमेटी का अनथक प्रयास है जिदा रंग आप देख रहे हैं। साडे सुखविंदर बिट्टू जी प्रधान इस कमेटी के है, बाकी इन्हों के मैंबर जोड़े है इन्होंने
जिदे प्रयास किए है इस मंचन वास्ते और ये लगातार मेहनत कर रहे हैं और ये मेहनत का फल मैं देख रहा कि अज पंडाल जी उपस्थिति है वो बहुत संतोषजनक है। श्री राजन गुप्ता जी फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल एसोसीएशन के प्रधान अपने पूरे परिवार के नाल इतने साढ़े मंच से पहुंचे हैं। इन्हों का बहुत बहुत स्वागत करती है नवयुग मंडल रामलीला कमेटी। बहुत बहुत तह दिलों इन्हों का धन्यवाद भी करती है और साढ़े बच्चे सप्पल जी ने ये भी साढ़े बहुत बड़े सहयोगी ने इन्हों का भी नवयुग मंडल रामलीला कमेटी बहुत बहुत तह दिलों धन्यवाद करती है। रामलीला कमेटी दे मुख सेवादार मेरा छोटा वीर है साढ़े परिवारिक मैंबर है सुखविंदर कालिया साहब साढ़े बड़े भरा पूर्व पार्षद बहु ओम प्रकाश जी आदरणीय दीपक शारदा जी साढ़ा छोटा वीर है पूर्व पार्षद है आदरणीय गुप्ता साहब गोरा जी साढ़े बिट्टू भाजी बिक्की जी पवन जी और सारी इन्हों की प्रबंधकी टीम सारे कलाकार बंधु और अज पंडाल दे विच उपस्थित मेरिया मातावां मेरिया भैणां मेरिया बच्चियां मेरे बजुर्ग और प्यारे नौजवान साथी को बड़ी खुशी की गल है कि साड़ी ये रामलीला कमेटी कई सालों तो इस स्थान के उपर रामलीला का आयोजन करती है और साड़ी आने वाली जनरेशन नू धर्म दे नाल संस्कारां दे नाल जुड़न का प्रयास करती है। अज साडा समाज टुट रहा है अज साडी नौजवान पीढ़ी नशे वल जा रही है उस चीज़ नू रोकन दे लई ऐसे आयोजन करना बहुत ही जरूरी है और अज समय की लोड़ भी है और मैं महसूस करता वा कि साड़ी ये टीम का यह प्रयास है ये कोशिश है कि साढ़े इस इलाके दे नौजवान पीढ़ी साड़िया बेटियां संस्कारित होन और उन्होंने रामायण के बारे पूरा ज्ञान होवे कि किस तरीके दे नाल इंसान नू मर्यादा दे विच अपना जीवन व्यतीत करना चाहिदा वै। आप सारे जानते हैं कि रामायण ऐसा ग्रंथ है और श्री राम का चरित्र ऐसा है जे असी उहदे उपर अमल करके चलीए तां साडे घरां दे विच कदी भी कोई दुख नहीं आएगा अशांति नहीं होएगी साडे घरां दे विच सुख समृद्धि होएगी भरावां दा इतफाक होएगा और परिवार दे विच एकता बनेगी। ये चीज़ इस खान वास्ते ये साड़ी ये टीम बड़ी मेहनत लगन दे नाल ये प्रयास करती है। जालंधर छावनी के आरे बाजार स्थित सनातन धर्म मंदिर में शारदीय नवरात्रों के पावन अवसर पर प्रतिदिन महामाई का भजन कीर्तन किया जा रहा है जिसमें पंडित मुरारी लाल शर्मा द्वारा मंदिर प्रबंधक कमेटी के सदस्यों से विधिवत पूजा अर्चना करवाई जा रही है। इसके पश्चात उपस्थित भक्तजन मां भगवती की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इस अवसर पर रघुनंदन शर्मा राजकुमार एवं महिला भक्तजन भी भजन गायन कर महामाई का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं।
सचिव एवं डबल ए इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक अश्विनी पुरी के बड़े भाई और पुरी ट्रेडर्स के राकेश पुरी का आकस्मिक निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार जालंधर के नामदासपुरा स्थित शमशानघाट में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय राकेश पुरी को मुखाग्नि उनके बेटे दिनेश पुरी ने दी। इस मौके पर अवाहिज आश्रम के अध्यक्ष तरसीम कपूर, पूर्व CPS KD भंडारी, जालंधर व्यापार मंडल और श्री देवी तारा मंदिर प्रबंधक कमेटी के कोषाध्यक्ष परविंदर बहल सहित शहर के व्यापारिक, सामाजिक और राजनीतिक वर्ग से जुड़े लोगों ने नम आंखों से स्वर्गीय राकेश पुरी को अंतिम विदाई दी। मुखविंदर सिंह संधु अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर गुरु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति हेतु श्री सहज पाठ साहिब जी के भोग कीर्तन एवं अंतिम अरदास गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा अर्बन एस्टेट फेस 2 में की गई। इस मौके पर पंथ प्रसिद्ध रागी जत्थों ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय मुखविंदर सिंह संधु की आत्मिक शांति हेतु अंतिम अरदास की। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों सहित शहर के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय मुखविंदर सिंह संधु को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर में पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर व ADGP की अगुवाई में चलाया गया ऑपरेशन कासो मकबूलपुरा के फ्लैटों व आसपास के क्षेत्रों में की गई चेकिंग। कपूरथला में MIC शोरूम पर फायरिंग मामले में हुआ बड़ा खुलासा, हमलावरों ने बाइक चोरी करने के बाद वारदात को दिया अंजाम। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने पुलिस कमिश्नर सोभन शर्मा की अगुवाई में चल रहे ऑपरेशन कासो बस स्टैंड, हॉटस्पॉट, धार्मिक स्थानों सहित प्रमुख स्थलों पर की गई चेकिंग। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।